नमस्कार साथियों, बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे आपको बीपीएससी से 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के पद और वेतनमान पर नीतीश कुमार सरकार से मंजूरी मिली। जी हां साथियों, राज्य सरकार ने नई नियमावली के तहत बहाल होने वाले शिक्षकों के वेतनमान तय कर दिए हैं, साथ ही नए 1,78,026 पदों का सृजन भी किया गया है। इन नए पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी। सबसे अधिक प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के 85,477 पद सृजित हुए हैं। वहीं मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के 1,745, माध्यमिक में कक्षा 9 से 10 के 33,186 और उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 से 12 के 57,618 पद सृजित किए गए हैं। वहीं पूर्व की नियमावली के तहत सृजित 1,78,026 पदों को प्रत्यर्पित किया गया है। इनमें पंचायत और नगर प्रारंभिक के 79,943 पद मरणशील हो गए थे। नई नियमावली के तहत बहाल शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे, जिनके खाते में सीधे ट्रेजरी से वेतन का भुगतान होगा। प्राथमिक शिक्षकों के मूल वेतन के साथ ही 42% महंगाई भत्ता यानी कि DA, 8% HRA, CTA 1,500 रुपये और 1,000 रुपये मेडिकल प्रतिमाह मिलेगा। इस तरह प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षकों को प्रतिमाह 40,000 से 51,000 तक का वेतन मिलेगा। आपको बता दें, इसके अतिरिक्त 14% शिक्षकों के पेंशन में राज्य सरकार अंशदान देगी, जो प्रतिमाह 3,500 से 4,500 रुपये तक की होगी। पेंशन की राशि को जोड़ दे तो कुल वेतन और बढ़ जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से सालाना 11,000 करोड़ खर्च होंगे। प्राथमिक शिक्षकों का मूल वेतन 25,000, मध्य विद्यालय का 28,000, माध्यमिक का 31,000 और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 तय किया गया है। आपको बता दें, इसी महीने प्रकाशित हो सकता है विज्ञापन। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसी महीने विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षकों के सभी पदों को जिले में आवश्यकता के अनुसार बांटकर रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद विज्ञापन बीपीएससी को भेजी जाएगी। जल्द ही इन पर विज्ञापन जारी होगा और भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।